न्यायाधीश के नाम आप इंडिया पर लिखा पत्र वायरल हो रहा है, जिसे दिखाने जा रहा हूं। भारत के सम्मानित मुख्य न्यायाधीश महोदय, मैं आपको ये पत्र उन ट्रोल्स की तरफ से लिख रहा हूं जिनका न तो कोई नाम है और न ही कोई चेहरा। इससे पहले कि मैं बड़बड़ाना शुरू करूं, मुझे ये बताने की अनुमति दीजिए कि ट्रोल्स का मतलब क्या होता है और क्यों वो अपना नाम और चेहरा दुनिया के सामने लाना पसंद नहीं करते। ट्रोल्स वो होते हैं जो प्रभावशाली लोगों की आलोचना करते हैं। ये प्रभावशाली लोग राजनेता, अधिकारी, सेलिब्रिटी पत्रकार, बुद्धिजीवी, कारोबारी या फिर न्यायाधीश, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। फिर आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि हमें ट्रोल्स ही क्यों कहा जाता है, आलोचक क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि हम उन लोगों की आलोचना करते हैं जो अपनी आलोचना पसंद नहीं करते। उदाहरण के लिए इलीट वर्ग के पत्रकारों को ही ले लीजिए। वो खुद को सबसे सवाल पूछने की शक्ति चाहते हैं, लेकिन जब उनसे कोई सवाल पूछता है तो वो इसे पत्रकारिता पर हमला ठहरा देते हैं। वो खुद के बनाए हुए तथा कथित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ वाले वर्ग में रहते हैं, इसीलिए वो लोग हमें ट्रोल्स की संज्ञा देते हैं। जैसे ही वो सोशल मीडिया के आलोचकों को ट्रोल्स कहना शुरू करते हैं, उनके साथ कई और लोग जुड़ कर भी हमें ट्रोल्स ही कहने लगते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमें ये पसंद आता है और हम खुशी से इसे स्वीकार करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। अब चलिए खबर को आगे बढ़ाते हैं। फिर हमारा कोई चेहरा और नाम क्यों नहीं है? आपसे कुछ नहीं छिपा है मिलॉर्ड। आप तो जाते हैं कि शक्तिशाली लोगों को जब वहां ले जाया जाता है जहां उन्हें असुविधा हो, फिर वो कैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं, उन्हें एक्सपोज करने पर वो क्या करते हैं। वो हमारी नौकरी के पीछे पैडी डीडीडीएच सकते हैं, हमारे परिवार के पीछे पड्डी डीडीएच सकते हैं, कभी कभी तो हमें गुंडों से पिटवा भी सकते हैं। नाम और चेहरा न दिखाने का एक फायदा यह भी है कि ये शक्तिशाली लोग मुद्दे को भटका नहीं सकते और उन्हें जवाब देना पड्डी डीएचता है, क्योंकि दूसरी स्थिति में वो धर्म, जाति या समुदाय को लेकर मुद्दे को भटका सकते हैं। फिर ये गालीबाज ट्रोल्स कौन हैं? असल में ट्रोल्स तो मजाक, मस्ती, व्यंग्य या हास्य विनोद का सहारा लेते हैं। वो तथ्यों पर बात करते हैं, गालियों से नहीं। मैं हूं या कोई और, उसे गाली देकर ट्रोल्स को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शक्तिशाली लोगों को भी कार्रवाई का एक बहाना मिल जाता है। केवल ट्रोल्स ही नहीं, बल्कि गालियों का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति से कानूनी तौर पर निपटा जाना चाहिए, भले ही वो किसी महिला के लिए हरामखोर शब्द का इस्तेमाल करने वाला राज्यसभा सांसद हो या फिर किसी पत्रकार को गाली बकने वाला कोई अभिनेता हो। खैर, गाली देने वाले ट्रोल्स की संख्या कम ही है। मिलॉर्ड, अब मैं मुद्दे पर आता हूं। आपने कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार की एजेंसियों को निर्देश दिया कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से जजों से सवाल पूछने वाले ट्रोल्स के विरुद्ध कार्रवाई करें। अगर ये बयान किसी पत्रकार या राजनेता की तरफ से आया होता तो हमारे लिए ये सम्मान की बात होगी, लेकिन आपकी तरफ से इस बयान का आना हमारे लिए दुख भरा है। हम आपकी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी के रक्षक के रूप में देखते हैं। जैसा कि जस्टिस गौतम पटेल ने कहा, बहुत ज्यादा मतभेद के अधिकार जैसा कुछ नहीं होता। इसी तरह जस्टिस चंद्रचूड़ दीक्ष हमें खड्डे होने और मतभेद प्रकट करने वाला बनने के लिए कहते हैं। मतभेद प्रकट करने वालों के अधिकार की रक्षा करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय कहता है कि अगर आपको पुस्तक पसंद नहीं है तो आप इसे मत पढ़िए। हजारों ऐसे उदाहरण हैं जब न्यायपालिका अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़ी हुई। जैसा कि हमने पहले बताया, जो लोग अपनी आलोचना पसंद नहीं करते वो हमें ट्रोल्स कहते हैं। अब उन लोगों की सूची में न्यायपालिका का नाम भी जुड़ गया है। बद्दहे दुख के साथ ये कहना पड्डिच रहा है। हमें तो बताया गया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, भले ही वो कानून बनाने वाला या कानून को लागू करने वाला ही क्यों ना हो। किसी जज या उसके फैसले की अपनी व्यक्तिगत क्षमता में आलोचना करना
अपराध नहीं होना चाहिए। लोगों को अदालत का आदेश के पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन उन फैसलों की आलोचना से नहीं। असल में न्यायपालिका को ट्रोल्स नहीं बल्कि वो मीडिया संस्थान नुकसान पहुंचा रहे हैं जो अदालत के आदेश को अपने हिसाब से पेश करते हैं। वो अपनी जरूरत के हिसाब से अदालत के आदेश को कोई भी एंगल दे देते हैं। वो जजों द्वारा मौखिक रूप से दिए गए बयान को हेडलाइन के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जो असली आदेश से कई अलग हो सकता है। फेक न्यूज से ज्यादा न्यायपालिका को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता, और बड्ढे दुख के साथ कहना पड़ डीएच रहा है कि न्यायपालिका अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फेक न्यूज फैलाने वालों को हमेशा संरक्षण देती है। ट्रोल्स के पीछे पड़ डीएच ने की बजाय जजों को फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कानून बनाने का निर्देश देना चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। अब चलिए खबर को आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रेस की आजादी के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन आजादी की कीमत होती है और वो एक ही है, सच्चाई। प्रेस की आजादी झूठ बोलने की आजादी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जजों को बिना तैयारी के बयान देने से बचना चाहिए। जब एक जज के मन में पहले से कोई खास विचार होता है, निष्पक्ष फैसले की आशा कम हो जाती है और फैसले पर उसकी छाप नजर आती है। मैं इस पत्र का इस उम्मीद के साथ अंत कर रहा हूं कि न्यायपालिका उन ट्रोल्स की अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को संरक्षण देगी जिनके पीछे पहले से ही कई शक्तिशाली लोग पीडीडीडीए हुए हैं। मुझे आशा है कि अदालत स्वतः संज्ञान लेकर आइडिया ऑफ इंडिया और ट्रोल्स के अधिकारों को बचाएगी। अगर आपको इन बातों से दुख पहुंचा तो क्षमा करें, मैं पास के सांप्रदायिक मंदिर में प्रार्थना करने जा रहा हूं कि मैं भी प्रशांत भूषण की तरह एक रुपए का जुर्माना देकर निकल जाऊं। वही प्रशांत भूषण जिन्होंने न्यायपालिका पर हमसे भी ज्यादा कड़ी डीएचआ हमला किया। चुनाव आते ही सरकार को अस्थिर करने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। यह अस्थिरता कई वजहों से फैलाने की कोशिश की जाती है। अपनी ताकत दिखाकर राजनीतिक पर दबाव बनाने की कोशिश भी इनमें एक शामिल है। इस बार भी विधानसभा चुनाव से बस कुछ दिन पहले ही किसान आंदोलन के नाम पर यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई। साल 2021 में भी ऐसा ही आंदोलन शुरू किया गया, तब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। इन आंदोलनों के कारण दिल्ली NCR के लाखों लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ी थीं और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस बार भी उन समस्याओं को याद करते हुए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। इस पत्र में अग्रवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस आंदोलन का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वकील इस आंदोलन की वजह से पैदा हुए ट्रैफिक समस्या के कारण समय पर कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई फैसला नहीं सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जब जाम में फंस गए तो उन्हें चलती कार से ही ऑनलाइन बहस करनी पड़ी। बहस के दौरान जस्टिस ओका ने कहा कि उन्हें वकीलों के वर्चुअली पेश होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह चलती कार में नहीं। इस पर एडवोकेट ने कहा कि वो किसान आंदोलन के कारण जाम में फंस गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि फिर तो इस बात के लिए हम आपको माफ कर देंगे। इसके बाद CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर वकीलों को आने जाने में समस्या होती है तो उन्हें बताई जाए और वे मामले को देखेंगे। बार एसोसिएशन ने कथित किसानों के आंदोलन पर स्वतः संज्ञान लेने का भी आग्रह किया। हालांकि स्वतः संज्ञान वाले मामले पर CJI ने क्या कहा, इसके बारे में कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन किसानों के पिछले आंदोलन और साल 2019 में शुरू हुए शाहीन बाग प्रदर्शन पर गौर करें तो ऐसा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले संज्ञान लेगा। दरअसल नागरिकता संशोधन बिल CAA और नागरिक पंजीकरण रजिस्टर NRC के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में लंबा प्रदर्शन किया गया था। उस समय भी इलाके को जाम कर दिया गया था
जिसके कारण महीनों तक लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तब फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल इस मामले में वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि कोर्ट ने दोहराया था कि सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन करना वाजिब नहीं है और जगह खाली कराने के लिए अधिकारियों को आगे आने के लिए कहा था। इसी मामले पर अक्टूबर 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा था कि धरना प्रदर्शन का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन अंग्रेजों के राज्य वाली हरकत अभी करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन लोगों के अधिकारों का हनन है, कानून में इसकी इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन इसे समान कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह की गोलमोल टिप्पणी साल 2021 के किसान आंदोलनों के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उस दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए 3 कृषि कानून लागू किए थे। इन कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताकर हरियाणा पंजाब के कथित किसान सड़कों पर आ गए थे। उन्होंने इस दौरान कई हिंसा की वारदातों को भी अंजाम दिया था। प्रदर्शन स्थल पर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान नहीं लिया था। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन CJI SI बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से कहा था कि न कृषि कानूनों पर रोक क्यों नहीं लगा रहे। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जिम्मेदारी दिखाते हुए इसे रोकने का आश्वासन देती है तो सुप्रीम कोर्ट एक समिति बनाकर इसे देखने को कहेगा, तब तक इसे रोक कर रखा जाए। उन्होंने पूछा कि आखिर इसे क्यों जारी रखा जा रहा है। इस दौरान CJI ने बार बार दोहराया कि वो इन कानूनों के कार्यान्वयन को रोक देंगे। हालांकि बाद में नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने इन कानूनों को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हिंसक आंदोलन को लेकर कोई संज्ञान तो नहीं लिया, लेकिन 12 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन को लेकर एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, डॉ प्रमोद कुमार जोशी और अनिल घनवटे शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय टीम बनाई थी, लेकिन किसान नेता भूपिंदर सिंह मान ने इससे खुद को अलग कर लिया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी, लेकिन रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के 5 महीने बाद आई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि देश भर के 26% किसान संगठन सरकार के 3 कृषि कानूनों से खुश थे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। अब चलिए खबर को आगे बढ़ाते हैं। ये किसान संगठन करीब 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन सब के बावजूद केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। घनवटे के मुताबिक सीलबंद रिपोर्ट में भी कृषि कानूनों को रद्द न करने की सलाह दी थी। घनवट ने कहा था कि इन कृषि कानूनों को रद्द करना या लंबे समय तक लागू न करना उन लोगों की भावनाओं के खिलाफ है जो इसका मौन समर्थन करते हैं। आपको याद होगा जब कथित किसान संगठनों ने दिल्ली को घेर रखा था, हिंसा हुड़दंग की खबरें लगातार आ रही थीं, तब कई लोगों ने इस मामले में 2 टूक फैसले नहीं लेने पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। शाहीन बाग में भी सुप्रीम कोर्ट का यही रवैया सामने आया था। अब जबकि किसान फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और हर तरफ आफरा तफरी का माहौल है, ऐसे में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट फिर संभावित हिंसा को देखते हुए किसी तरह का निर्देश देने से बचता दिख रहा है। हालांकि किसान चुनाव को देखते हुए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं और इस तरह की मांगे रख रहे हैं जिस पर गहन अध्ययन करके ही निर्णय लिया जा सकता है। किसानों ने जिन मांगों को रखा है उनमें MSP की गारंटी के साथ ही बिजली की दरों में छूट और किसानों के कर्ज की माफी की भी मांग है। यहां तक बात तो ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 13 फरवरी 2024 को
पीएम सूर्य घर योजना की घोषणा की है, जिसमें देश भर के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा किसानों ने पिछले आंदोलन के समय दर्ज हुए मुकदमों को भी तुरंत खारिज करने की मांग की है और लखीमपुर में मारे गए 4 किसानों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं, जिसमें लागत की तुलना में एमएसपी को 1.5 गुना करने की मांग है। बताते चलें कि पिछले किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवियों ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हिंसा की थी। इतना ही नहीं, दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा को नोचने की कोशिश की थी। जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम और सरकार के बीच खींचतान जारी है। सरकार द्वारा बार बारी अनुशंसित नामों को खारिज करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उन्हीं नामों को भेज रहा है। हालांकि 11 दिन बीत जाने के बाद भी मोदी सरकार ने कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को स्वीकृत नहीं किया है। उधर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि कॉलेजियम के नामों को स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य है। दरअसल ये सरकार और कॉलेजियम का मसला 5 वकीलों के नाम को लेकर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट जज बनाने पर अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। इसके लिए सरकार ने रॉ, आरएनएडब्ल्यू और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का भी हवाला दिया, लेकिन कॉलेजियम सरकार के तर्क को मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि वकील सौरभ कृपाल को जज नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वे गे हैं और उनका पार्टनर विदेशी है। सरकार ने कहा कि गे राइट को लेकर वे मुखर रहे हैं, ऐसे में उनके फैसलों में पूर्वाग्रह दिख सकता है। कॉलेजियम जिन नामों को बार बार भेज रहा है, इनमें सौरभ कृपाल भी शामिल हैं। कृपाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीएन कृपाल के बेटे हैं। इसके अलावा इस सूची में अमितेश बनर्जी, शाक्य सेन, एस सुदर्शन और आर जॉन साथियन शामिल हैं। अमितेश जस्टिस यूसी बनर्जी के बेटे हैं। यूसी बनर्जी ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जांच की थी। बनर्जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ट्रेन जलाने में किसी तरह की साजिश नहीं की गई। वहीं शाक्य सेन इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बेटे हैं। सेन ने शारदा चिट फंड घोटाले की जांच की थी। कॉलेजियम द्वारा भेजे गए इन नामों पर सरकार बार बार आपत्ति दे रही है, लेकिन कॉलेजियम बार बार इन्हीं नामों को भेज रहा है। इसके देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन एफ नरीमन ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिशों पर सरकार द्वारा जवाब देने की समय सीमा तय होनी चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। हमें अपनी राय जरूर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। अब चलिए खबर को आगे बढ़ाते हैं। नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक संविधान पीठ का गठन करना चाहिए। यह पीठ सरकार को कॉलेजियम की सिफारिश पर जवाब देने की 30 दिन की समय सीमा तय करेगी। वर्तमान में कॉलेजियम की सिफारिश पर किसी आपत्ति की स्थिति में सरकार के जवाब देने की समय सीमा तय नहीं की गई है। जस्टिस नरीमन ने कहा कि यदि एक बार कॉलेजियम द्वारा सरकार को नाम भेज दे और तय समय सीमा में सरकार कोई जवाब न तो मान लिया जाना चाहिए कि सरकार को आपत्ति नहीं है। कानून मंत्री पर कटाक्ष करते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा, एक बार 5 या उससे अधिक जजों ने संविधान की व्याख्या कर ली तो यह अनुच्छेद 144 के तहत एक प्राधिकरण के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप उस निर्णय का पालन करें। गौरतलब है कि 1943 के सेकंड जजेज केस, जिससे कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई, उसमें कहा गया है कि यदि कॉलेजियम नामों को दोहराता है तो सरकार को उसे मानना होगा। हालांकि इसे सरकार इसे फैसला भर मानती है, जबकि नियुक्ति को प्रशासनिक मामला। कानून मंत्री जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की लगातार वकालत करते रहे हैं। उनका तर्क है कि जजों की नियुक्ति प्रशासनिक काम है और यह सरकार के जिम्मे है। कॉलेजियम पर भाई भतीजावाद का भी आरोप है। इस संबंध में रिजिजू ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पत्र भी लिखा था। हालांकि CJI ने इसे खतरनाक प्रक्रिया बताया था।
बता दें कि साल 2015 में नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट NJAC लाया गया था। इसमें जजों की नियुक्ति को लेकर कई बदलावों की बात थी। इसके मुताबिक NJAC की अगुवाई CJI को करनी थी। इनके अलावा दो सबसे वरिष्ठ जजों को रखा जाना था और साथ में कानून मंत्री और प्रतिष्ठित लोगों को इसमें शामिल करने का सिस्टम इस एक्ट में दिया गया था। ऐसे ही NJAC में प्रतिष्ठित लोगों का चयन प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और CJI के पैनल को करने की व्यवस्था थी। मगर अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। अब CJI को लिखे गए पत्र को नए NJAC के तौर पर देखा जा रहा है। राम मंदिर पर जैसा कि सर्वविदित है, 40 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था और 2.7 शरद सावन एकदीयच की जमीन को हिंदुओं के नाम करने का आदेश दिया था। इस तरह से 450 वर्षों से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप हुए और हिंदुओं के सदियों पुराने संघर्ष का अंत भी। उस समय रंजन गोगोई देश के मुख्य न्यायाधीश CJI हुआ करते थे, जिनकी अध्यक्षता में पीठ ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उस समय उनके मन में क्या चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या सब हो रहा था, रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज के 12वें अध्याय में अयोध्या जजमेंट को लेकर विस्तार से बात की है। उन्होंने इस अध्याय की शुरुआत में ही लिखा है कि आस्था और धर्म से जुड़ी चीजें विश्वास का विषय हैं, सबूतों के नहीं, लेकिन वो मानव समाजों को जोड़ते भी हैं। रंजन गोगोई लिखते हैं कि नेताओं के तमाम दावों के बावजूद समरूपता और एकता मायावी बनी हुई है। कई राष्ट्र धर्म से जुद्धे सदियों पुराने विवादों में उलझे हुए हैं। रंजन गोगोई ने इसी क्रम में अयोध्या वाले विवाद का जिक्र किया और लिखा कि मानव सभ्यताओं में कई बदलाव आए, लेकिन ये विवाद बना रहा। उन्होंने बताया है कि इस विवाद का लाखों हिंदू मुस्लिमों पर असर है और सरकारों ने समय समय पर अपने फैसलों से अनिश्चितता का माहौल बनाया। उन्होंने इस जजमेंट के पीछे चुनौतियों की बात की है और साथ ही बताया है कि कैसे ये फैसला दुनिया भर